वेलकम फ्रेंड्स, आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो आपके सामने है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द फिगर इज कंसिस्ट ऑफ अ स्क्वायर एंड टू सेमी सर्किल। मतलब ये फिगर ये स्क्वायर और दो सेमी सर्किल से मिलकर बना है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 40,000 मीटर स्क्वायर। इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 40,000 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फिगर। इस पूरे फिगर का पेरीमीटर और एरिया दोनों हम लोगों को फाइंड करना है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि एरिया स्क्वायर का दिया गया है। अगर हम लोग साइड पता कर लें तो फिर हम लोग जो है इस पूरे फिगर का पेरीमीटर पता कर सकते हैं, और उसके बाद इस सेमी सर्किल और इस सेमी सर्किल का अगर एरिया पता कर लेंगे तो हम लोग इस पूरे फिगर का एरिया पता कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, एरिया दिया गया है 40,000 मीटर स्क्वायर। साइड इक्वल्स होता है अंडर रूट एरिया। स्क्वायर का जो साइड होता है अंडर रूट एरिया होता है। ठीक है, तो एरिया हम लोग को दिया गया है तो इसको हम लोग डालते हैं रूट के अंदर। 40,000 मीटर स्क्वायर तो 200 मीटर आता है साइड। साइड का लेंथ हो जाएगा 200 मीटर। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ हो जाएगा 200 मीटर और यहाँ से यहाँ का भी लेंथ हो जाएगा 200 मीटर, क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है, ये आप लोगों को पता है। अब अगर हम लोग इस सेमी सर्किल को देखें और इस सेमी सर्किल को देखें तो दोनों का डायमीटर क्या है, इक्वल है। कितना है डायमीटर, 200 मीटर है, क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है। तो ये भी 200 होगा, ये भी 200 होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सो इस सेमी सर्किल का जो है सो और इस सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस पता कर सकते हैं। तो दोनों सेमी सर्किल मिलकर क्या हो जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा जिसका डायमीटर हो जाएगा 200 मीटर। तो इसका हम लोग सर्कमफ्रेंस पता करते हैं। तो दोनों सेमी सर्किल मिलकर हो गया एक सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, 2πr। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पाई इंटू डी। क्यों, क्योंकि 2πr, तो 2 और r क्या हो जाएगा, d के इक्वल्स होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इस चैनल पर थोड़ा सा नया हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं, ये आप लोगों को पहले से पता है। तो पाई डी, ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस हो गया सेमी सर्कल का। तो पाई का वैल्यू जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में पहले दिया गया है कि 3.14 लेना है, तो 3.14 इंटू डायमीटर हम लोगों को पता है 200 मीटर। तो क्या हो गया, 3 × 2 = 6, 14 × 2 = 28, 628 मीटर। तो 628 मीटर पेरीमीटर ऑफ द फिगर इक्वल्स, पूरे फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री ही, पूरा आउटर बाउंड्री का लेंथ जो होता है वही पेरीमीटर कहलाता है। तो ये और ये, ठीक है, इस दोनों का लेंथ पता नहीं करना है। तो पूरा बस इतना ही लेंथ, यानी जो आउटर बाउंड्री है उसका लेंथ पता करना है। तो ये कितना होगा, ये है 200 और ये है 200, तो 400 मीटर। और ये दोनों सेमी सर्किल मिलके क्या हुआ था, एक सर्कल बना था जिसका सर्कमफ्रेंस आया था 628। तो 628 मीटर दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 1028 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि ये फिगर जो है एक स्क्वायर और दो सेमी सर्किल से मिलके बना हुआ है, क्योंकि हमने अभी स्केल से ड्रॉ नहीं किया है तो थोड़ा सा टेढ़ा लाइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्क्वायर है, ये पहले से हम लोगों को पता है, इसका एरिया भी दिया गया है 40,000 मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग इसका और इसका एरिया पता कर लें तो इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये और ये मिलके एक सर्कल बना था, तो सर्कल का एरिया क्या होता है,
area of a circle equals pi r square. पाई का वैल्यू पहले से क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया है कि 3.14 लेना है, 3.14 इनटू आर का वैल्यू आप लोगों को पता है, अगर डायमीटर 200 मीटर है तो आर कितना होगा 100 मीटर, 100 इनटू 100 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरा 3.14 मीटर स्क्वायर। ये हो गया दोनों सेमी सर्किल मिलकर जो एक सर्किल बना उसका एरिया, तो इसका एरिया और इसके एरिया को अगर हम जोड़ देंगे तो पूरे फिगर का एरिया पता हो जाएगा। एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द फिगर इक्वल्स 3.14 मीटर स्क्वायर प्लस 4.00 मीटर स्क्वायर, कितना हो गया 71,400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने एरिया और पेरीमीटर दोनों पता कर लिया इस फिगर का। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।